नमस्कार, समाचार टाइम 24 में आपका स्वागत है। मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आसाराम के कथित अनुयायी को पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आसाराम के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में तीन मुख्य गवाहों की हत्या करने के आरोपी और आसाराम बापू के कथित अनुयायियों को आसाराम के निजी सहायक अखिल गुप्ता की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। कार्तिक हलधर को गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बी सिंह ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि कार्तिक द्वारा ये कबूल करने के बाद कि उसने मध्य प्रदेश में तमराज, सीतापुर के सूरज, राजस्थान के बलबीर और मुजफ्फरनगर के नीरज समेत 4 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अखिल गुप्ता की हत्या की थी, उसे पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। पिछले वर्ष 11 जनवरी को 35 वर्षीय अखिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो 16 वर्षीय एक स्कूली छात्रा का कथित तौर पर यौवन उत्पीड़न करने के मामले में अगस्त 2013 से जेल में बंद 74 वर्षीय आसाराम का रसोईया और निजी सहायक था। कार्तिक जून 2014 में आसाराम निजी चिकित्सक अमृत प्रजापति की हत्या करने के मामले में और पिछले वर्ष जुलाई में एक अन्य अहम गवाह कृपाल सिंह की हत्या करने के मामले में कथित तौर पर संलिप्त था। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों के लिए गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर के मद्देनजर बेसिक स्कूल में हर रोज राष्ट्रगान होगा और हर बुधवार को स्वच्छता अभियान दिवस मनाया जाएगा। सूबे में बेसिक स्कूलों के लिए गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है। इसके तहत अब स्कूलों में हर दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी होगा। वहीं हर बुधवार स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूरे सत्र में प्राथमिक स्कूलों में 200 दिन और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 220 दिन की पढ़ाई होगी। सप्ताह के शुरुआती 4 दिन अंतिम घंटे खेलकूद और व्यायाम का होगा। आखिरी 2 दिन स्काउट और गाइड की गतिविधियां कराई जाएंगी। कैलेंडर में वाद विवाद प्रतियोगिता, अंतराक्षरी सुलेख, चित्रकला, पेंटिंग, पौधारोपण और जैसे कार्यकलापों के लिए भी दिन तय किए गए हैं। साल में 4 बार यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 2 नवम्बर और 2 जनवरी में से कम सप्ताह भर के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को राजधानी लखनऊ के कैंट एरिया से उम्मीदवार घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी के कैंट सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये जानकारी आज यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के हवाले से जारी एक विज्ञप्ति में दी गई। अर्पणा यादव सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं और वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट की बेटी हैं। आपको बता दें कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव, भतीजे धर्मेंद्र और अक्षय प्रताप, उनके बड़े भाई के पोते तेज प्रताप लोकसभा और चचेरे भाई रामगोपाल राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके पुत्र अखिलेश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जबकि भाई शिवपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। अमेरिका के संसद भवन में संसद के अतिथि केंद्र के पास कुछ अज्ञात हमलावर द्वारा संसद के एक अधिकारी को गोली मार दी गई। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अमेरिकी संसद भवन के अतिथि केंद्र के पास संसद के एक अधिकारी को गोली मार दी गई। संसद भवन के अधिकारियों और पुलिस ने बताया कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। ईस्टर के अवकाश की वजह से संसद सत्र नहीं चल रहा था और सभी सांसद अपने क्षेत्र में थे। इस दौरान व्हाइट हाउस की सुरक्षा भी कुछ देर के लिए सख्त की गई, लेकिन उसे जल्द ही सामान्य कर दिया गया। कर्मचारियों, संवाददाताओं और अन्य लोगों को एक स्थान पर रुकने को कहा गया और उन्हें अपने कार्यालयों से निकलने से मना कर दिया गया। जिस पुलिस अधिकारी को गोली लगी है, माना जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर नहीं है। घटना के तुरंत बाद सशस्त्र पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया। ईस्टर अवकाश और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के कारण वहां पर्यटकों की खासी संख्या थी। ब्रसेल्स मेट्रो धमाके में लापता राघवेंद्र गणेशन की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स आतंकी हमले में लापता भारतीय नागरिक राघवेंद्र गणेशन की मौत की पुष्टि हो गई है। सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के कर्मचारी राघवेंद्र 22 मार्च को ब्रसेल्स में मेट्रो स्टेशन पर हुए हमले के दौरान लापता हो गए थे। बेल्जियम के अधिकारियों ने सोमवार इसकी पुष्टि की। इसके बाद भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस पर संवेदना जताई। जानकारी के मुताबिक राघवेंद्र भी धमाके में मारे गए लोगों में शामिल थे। इस सूचना पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ब्रसेल्स में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों में राघवेंद्र भी शामिल हैं। उनका पार्थिव शरीर ब्रसेल्स में उनके परिवार को सौंप दिया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा
कि राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि फिल्म तनु इट्स मनु में अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कंगना ने एक बयान में कहा कि ये मेरे जन्मदिन पर अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है, मैं रोमांचित हूँ और खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। कंगना 23 मार्च को 29 साल की हो गयी। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा इसलिए रोमांचित हूँ क्योंकि मेरे साथ अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। ये कंगना का 3रा राष्ट्रीय पुरस्कार है। उन्हें फिल्म फैशन में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर भारत आई पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम JIT पठानकोट पहुंच गई है। पठानकोट आतंकी हमले की जांच को लेकर भारत आई पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम दिल्ली से अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची। 5 JIT के सदस्यों को बुलेट प्रूफ वाहनों से पठानकोट ले जाया गया। आपको बता दें कि पाक जांच टीम पर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों और भारत में उनके सदस्यों के जरिए हमले की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस को पाक JIET के सदस्यों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। JIET में ISI के सदस्य के शामिल किए जाने का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी पठानकोट में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। कपिल मिश्रा ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत में बुलाना भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान का अपमान है, भारत के शहीदों का अपमान है। पठानकोट में जिन जवानों ने अपनी शहादत दी उनका अपमान है और इसके लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश के इटारसी में एक युवक को ट्रेन से बांधकर उसकी पिटाई का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश के इटारसी में एक युवक को ट्रेन की खिड़की से बांधकर पिटाई का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस लड़के की गलती बस इतनी थी कि उसने बोतल से मुंह लगाकर पानी पी लिया था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने अपने ही साथी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बोतल का पानी जूठा करने के आरोप के बाद आरोपियों ने अपने दोस्तों का पैर ट्रेन की खिड़की से बांध दिया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित के कपड़े भी उतार दिए। इतना ही नहीं, जैसे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चलना शुरू किया, आरोपियों ने उसे ट्रेन की खिड़की से लटकते पीड़ित युवक की बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब ट्रेन में बैठे लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी नहीं की। आरोपी और पीड़ित परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे। पीड़ित युवक जबलपुर से ट्रेन में सवार हुआ था। बर्बर पिटाई की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में सियासी घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में भी सियासत गरमाती जा रही है। मणिपुर के CM ओकराम इबोबी के खिलाफ 25 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इबोबी को तलब किया है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद कांग्रेस के लिए मणिपुर से बुरी खबर है। यहां मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के खिलाफ पार्टी के 25 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। इन विधायकों ने इबोबी सिंह की कैबिनेट में फेरबदल की मांग की। सूत्रों के मुताबिक नाराज कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे उनकी मांगे माने या फिर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री इबोबी सिंह को दिल्ली तलब किया। हालांकि कांग्रेस नेता नारायण सामी ने दावा किया है कि मणिपुर में स्थिति पर नजर रखे हैं और सारे मतभेद सुलझा लिए जाएंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में 2017 में चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस का मुंह बंद करने के लिए वीर सावरकर को भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने क्रांतिकारी नेता वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस का मुंह हमेशा के लिए बंद करने की खातिर उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। उद्धव ने एक बयान में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार से सावरकर को ये उच्च नागरिक सम्मान देने का आह्वान किया। महाराष्ट्र में सावरकर बड़े सम्मान के नजर से देखे जाते हैं। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी महीने लोकसभा में एक चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा था कि बीजेपी सावरकर के आदर्शों पर चलती है, जबकि उनकी पार्टी महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती है। विपक्षी दल ने पिछले हफ्ते ही एक बार फिर सावरकर पर निशाना साधा था, जब उसने ट्वीट कर कहा कि भगत सिंह ने ब्रिटिश राज से आजादी के लिए संघर्ष किया, वीजी सावरकर ने ब्रिटिश राज में दास बनकर रहने के लिए दया की भीख मांगी। बीजेपी कांग्रेस से माफी मांगने या विरोध प्रदर्शन करने का सामना करने को कहा।
इस मुद्दे में शामिल होते हुए उद्धव ने कहा कि यदि सरकार दक्षिणपंथी विचारक को भारत रत्न प्रदान करती है तो विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने के लिए नवाज शरीफ ने कसम खाई। लाहौर में हुए घातक आतंकवादी हमले से विचलित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकवाद से लड़ने की कसम खाई है। शरीफ ने अपनी आगामी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी, जहां उन्हें इस हफ्ते बाद परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेना था। पाकिस्तान में रविवार को लाहौर के एक पार्क में ईस्टर के मौके पर हुए कार्यक्रम में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 29 बच्चों समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक गुट जमातुल अहरार ने ये कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली कि एसआई उनके निशाने पर थे। हमले से विचलित नवाज शरीफ ने एक टीवी पर आतंकवाद से लड़ने की कसम खाई। नवाज ने कहा कि हम अपने शहीदों के खून के हर एक कतरे का हिसाब रख रहे हैं, ये हिसाब चुकाया जा रहा है, इसकी आखिरी किस्त अदा होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम उन्हें पाकिस्तानियों की जान से खेलने की इजाजत नहीं देंगे, ये हमारी कसम है। आपको बता दें कि शरीफ 31 मार्च को होने वाले चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन जाने वाले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, लेकिन लाहौर हमले को देखते हुए ये यात्रा रद्द कर दी गई। एक्सप्रेस न्यूज की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री के विदेश मामले में विदेश दूत अब इस वैश्विक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक निजी न्यूज चैनल पर लाइव चैट के दौरान पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर न्यूज चैनल के एडिटर विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट पर पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी है। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के बाद एक टीवी चैनल पर लाइव चैट के दौरान पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर न्यूज चैनल के स्पोर्ट एडिटर ने ट्वीट कर पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी है। उनके इस ट्वीट के बाद इस पूरे विवाद पर विराम लग गया और ये साफ हो गया कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। आपको बता दें कि स्पोर्ट एडिटर ने ट्वीट कर इस मामले को लेकर कहा कि लाइव शो के दौरान वसीम अकरम को किसी ने भी नहीं छुआ था। एक शराबी व्यक्ति ने लाइव कैमरे के सामने खुद का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हरकत की थी। वसीम अकरम जब एक टीवी न्यूज चैनल पर लाइव चैट कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद ये चिंता जताई जा रही थी कि आखिर वसीम अकरम के साथ क्या हुआ। लेकिन अब स्पोर्ट एडिटर ने ट्वीट कर कहा है कि वसीम बिल्कुल ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं। आईपीएल 2016 की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी जहीर खान को सौंपी गई। आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने अगले महीने से शुरू होने वाले लीग के नवे सीजन के लिए टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान को अपना कप्तान बनाया है। जहीर लगातार दूसरे साल आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेलेंगे। जहीर को कप्तान बनाए जाने के बारे में दिल्ली के मेंटर और टीम इंडिया के पूर्व भरोसेमंद खिलाड़ी राहुल द्रविड़ ने कहा कि जहीर एक शानदार गेंदबाज है और उन्हें लंबे समय तक टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाले ये अच्छे से जानते हैं कि जहीर किस स्तर के खिलाड़ी है, इसलिए दिल्ली डेयरडेविल्स का ये फैसला बिल्कुल सही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत माता जय का नारा किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। भारत माता की जय नारे को लेकर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने कहा कि ये नारा किसी पर भी थोपने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना होगा कि लोग खुद ही भारत माता की जय कहें। भागवत ने भारतीय किसान संघ के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें ऐसा श्रेष्ठ भारत खड़ा करना होगा कि लोग भारत माता की जय स्वयं कहें, उन पर ये थोपना ना पड़े। आपको बता दें कि भागवत ने कहा कि हमें अपने जीवन से सारे विश्व के मानव को दिशा देनी है, किसी को जीतना नहीं, अपनी पद्धति अपना विचार किसी पर थोपने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संपूर्ण दुनिया को रास्ता दिखाना है, ऐसा भारत वर्ष बनाना है कि सारी दुनिया जिसके कारण भारत माता की जय बोलने लगे। भागवत ने ये भी कहा कि समाज को उस लायक बनाने के लिए श्रेष्ठ भारत खड़ा करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को देश भर में खड़ा करना संघ का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसान हो या किसी अन्य माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले लोग, सभी किसी न किसी रूप में समाज के लिए कुछ न कुछ करते हैं। कम से कम अधिक से अधिक कमाना एक कौशल हो सकता है, आदर्श नहीं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना खाएंगे उससे ज्यादा काम करेंगे। भागवत ने वसुधैव कुटुम्बकम को भारतीय संस्कृति और दर्शन का मूल तत्व बताते हुए कहा कि हमें सारी दुनिया के सामने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना है। भारतीय पुरस्कार से सम्मानित शायर
ने दी साहित्यकार को अंजाम भुगतने की धमकी। यश भारती पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के दबंग और चर्चित शायर इमरान प्रताप गढ़ी खुद पर फेसबुक पोस्ट पर भड़क उठे। चोरी की रचनाएं पढ़ने के बाद भी यश भारती पुरस्कार हासिल करने के साथ जब इमरान की योग्यता पर सवाल खड़ा हुआ तो पोस्ट पर कमेंट भी आने लगे। इस पर इमरान बौखला उठे और पोस्ट करने वाले साहित्यकारों को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। पोस्ट डिलीट करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। परेशान कवि जाहिद ने DSSP समेत शासन से भी प्राण रक्षा की गुहार लगाते हुए खुद की हत्या की भी आशंका जाहिर की है। इमरान अपनी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। शायर और साहित्यकार की छवि के उलट इमरान प्रताप गढ़ी इलाहाबाद में बाहुबली अतीक अहमद के साथ जमीन कब्जा और मारपीट के मामले को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, तो कभी चोरी की रचनाएं पढ़ने के आरोपों को लेकर। आपको बता दें कि इमरान मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। अखिलेश सरकार ने हाल ही में यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया तो इमरान की योग्यता और पुरस्कार हासिल करने पर ही सवाल खड़े हो गए। प्रतापगढ़ के रहने वाले और अनेकों मंच पर काव्य पाठ करने वाले वरिष्ठ कवि और साहित्यकार शीतला सुजान ने भी फेसबुक पर इमरान पर चोरी की रचनाएं पढ़ने का आरोप लगाया और अयोग्य को यश भारती पुरस्कार देने की बात पोस्ट की। पोस्ट में सूबे में योग्य को यश भारती पुरस्कार ना देकर वोट बैंक राजनीति और रसूख को ख्याल में रखकर पुरस्कार देने की बात की गई है। इस पर शायर इमरान भड़क उठे और पोस्ट करने वाले कवि से मोबाइल पर पहले तो प्रेस रिपोर्टर बनकर पूरी बात जानी और फिर अपना परिचय देते हुए पोस्ट डिलीट करने को कहा। साथ ही साथ ऐसा ना करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी और कहा कि अंजाम बुरा होगा। शीतला सुजान ने इसकी शिकायत शासन स्तर पर किया और साथ ही कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। DM और SP से मिलकर अपनी हत्या का आशंका जताते अपने जान की रक्षा की भी गुहार लगाई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक माधव प्रसाद वर्मा का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल यह तो वक्त ही बताएगा कि चर्चित युवा शायर पर कार्यवाही कब तक और किस स्तर पर होगी, लेकिन इस मामले में यश भारती पुरस्कार हासिल करने वाले शायर इमरान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक शायर की दबंग छवि लोगों के समझ से परे है, साथ ही सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक फायदे की तरफ से चर्चा को हवा देता हुआ भी शायर का ये एक कृत्य है। प्राइम टाइम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।